हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्लासेस है जिसमें डिप्लोमा में आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो आप लोगों को बताऊंगा डिप्लोमा इन फार्मेसी। क्लासेस जो बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें, ठीक है दोस्तों। आज के क्लासेस में बताऊंगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर है जिसमें इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल है, जो आप लोगों को फेरस आस्क्रोबेट के नाम से जाना जाता है, जो चैप्टर में आपका अवेलेबल है, जो पढ़ा जाता है पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आज के क्लासेस में बताऊंगा कि यूज क्या होता है, इसका ब्रांड नेम क्या है, मार्केट में क्या नाम से सेल होता है, ये फेरस आस्क्रोबेट कैसे बनता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यान देंगे और पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, जो आप लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ उसके लिए कुछ तो लाइक दो यार। फेरस आस्क्रोबेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द विटामिन सी एंड आयरन। फेरस और आयरन हेल्प टू रिप्लेस द आयरन स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी। आस्क्रोबेट कंटेन विटामिन सी, ठीक है। डेट इम्प्रूव्स आयरन लेवल इन द बॉडी बाय द इंक्रीज इट इज अब्सॉर्प्शन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। मतलब इसके मतलब आप लोग क्या हो रहा है, जो आयरन और विटामिन सी के मिल के बनता है उसको नाम हम रखते हैं फेरस आस्क्रोबेट। फेरस आस्क्रोबेट विटामिन सी और आयरन की कमी को दूर करता है, जो लेवल कम हो जाए उसको पूरा करता है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लासेस में ये है, जो मान लीजिए बॉडी में आप लोगों का आयरन की मात्रा कम हो, लो हो गया हो, उसको पूर्ति करता है, इसके बारे में, ठीक है दोस्तों, इसका जानकारी हो गया। प्रिपरेशन मतलब द अल्कालीन अर्थ मेटल साल्ट आर ओआर इट इज हाइड्रोक्साइड आर रिएक्टेड विद फेरस सल्फेट। मतलब अल्कालीन एक साल्ट है जो मेटल नाम से जाना जाता है, हाइड्रोक्साइड और रिएक्ट विद फेरस सल्फेट के सल्फेट से रिएक्शन करने पर गेट करस्पोंडिंग फेरस सल्फेट बनता है, जिसमें बीच इज द रिएक्ट बीच आर रिएक्टेड न्यूट्रल कंडीशन फ्लो बाय द फिल्ट्रेशन वी फेरस आस्क्रोबेट इन मदर लिक्वर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जब हम लोग रिएक्शन बनाए जाते हैं तो अल्कालीन का मेटल, चाहे अल्कालीन लीजिए चाहे अल्काली लीजिए, ठीक है। अर्थ माने पृथ्वी पर मेटल साल्ट है जो इट इज द हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करना है, ठीक है दोस्तों, फेरस सल्फेट से गेट करस्पोंडिंग फेरस सल्फेट विच आर रिएक्ट विथ आस्कर्बिक एसिड होता है इन द इक्वेशन मीडियम एट द स्लाइटली एसिडिक को ओआर न्यूट्रल कंडीशन फ्लोड बाय द फिल्ट्रेशन टू गेट फेरस आस्क्रोबेट मेटल लिक्वर्स। मतलब ये आप लोग बनाने का प्रिपरेशन है, जो आप लोग लैब में चाहे कोई भी आप लोग जा रहे हैं ब्रांच में, जो मेडिकल बनाते हैं मतलब दवाओं को बनाया जाता है, तो इसी से मिलके बनता है, इसको ध्यान दीजिए और अच्छे से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार और समझाता हूँ कि जो हम लोग जैसे अल्कालीन लिए चाहे मेटल साल्ट कोई भी, मतलब अल्कालीन मेटल साल्ट कोई भी ले लें, हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराना है जिसमें फेरस रिएक्ट विथ फेरस सल्फेट हो, गेट करस्पोंडिंग फेरस सल्फेट बीच आर द रिएक्ट विद आस्कर्बिक एसिड हो, इसका लेब में जाएंगे तो आस्कर्बिक एसिड मिलेगा इन एंड द इक्वेशन मीडियम एट स्लाइटली एसिडिक और न्यूट्रल कंडीशन होता है, जिसे फ्लोड बाय द फिल्ट्रेशन टू गेट फेरस आस्क्रोबेट इन द मदर लिक्वर। तो आप लोगों के बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? फेरस आस्क्रोबेट
ठीक है, स्टोरेज में हम लोग कैसे रखेंगे, स्टोरेज में वो बन जाएगा तो उसको क्या करेंगे, इट शुड बी द स्टोर इन द एयर, लाइट नहीं होना चाहिए, कंटेनर प्रोटेक्टिव होना चाहिए, फॉर्म लाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इट इज द शुड बी द कीप्ड एट रूम टेम्परेचर और ओके होना चाहिए, जिसमें 30 और 40 के बीच में होना चाहिए डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, रूम टेम्परेचर ओके, रूम टेम्परेचर अच्छा ना हो तो प्रोडक्ट बनाया हुआ खराब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यूज इन द ट्रीटमेंट, देखिए इसका प्रयोग इसमें करते हैं, यह प्रयोग इसमें करते हैं, यूज ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया आयरन डिफिशिएंसी में होता है, जिसमें एनीमिया की एंड आयरन डिफिशिएंसी के में प्रयोग किया जाता है। ब्रांड नेम आप लोग जाएंगे, मतलब फार्मास्यूटिकल फार्मूला, मतलब फार्मूला क्या है तो आप लोग सुनेंगे, फेरस आस्कोर्बेट है, कैप्सूल में आता है, सीरम में भी आता है। ठीक है, टैबलेट नहीं, मतलब कैप्सूल सिरप में आता है, इसमें आप लोग नेट में सर्च कर लीजिए और देखिए फेरस आस्कोर्बेट सिरप और टैबलेट में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग ब्रांड नेम जाएंगे, जब मेडिकल में जाएंगे कहेंगे सर मेरे को ये दवा चाहिए तो आपको मिलेगा आस्कोफेर कैप्सूल आता है, आयरन आता है, आस्कोर्बेट देखिए ओरोफर एक्सट्री नाम से भी आता है, ओरोफर एक्सटी नाम से, देखिए ओरोफर एक्सटी नाम से आता है, ओरोफर एक्सटी नाम से सिरप आता है, टैबलेट भी आता है, इसको सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यस कार्बोनिल आयन, देखिए यस कार्बोनिल आयन होता है, सल्फर से मिलकर बनता है, जिसमें का यस होता है कार्बोनिल आयन, जैसे इज ए हाईली प्योर आयन है, जिसे प्रिपरेशन बाय द केमिकल केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ प्यूरिफाई पेंटाकार्बोनिल, इट इज ए ग्रे पाउडर कंपोज ऑफ स्पेरिकल माइक्रो पार्टिकल्स से नाम से जाना जाता है। इसका स्टोरेज सेम होगा जो हम आपको यहाँ पर बताया, इसका भी यही होगा, इट शुड बी स्टोरेज इन द एयर लाइट कंटेनर प्रोटेक्टिव फॉर्मलाइक, इट शुड बी कीप्ड इन द रूम टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यूज क्या होता है, एज द डायरेक्टरी आयरन है, सप्लीमेंट टू द ट्रीट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में काम होता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल फार्मूला देखिए, टैबलेट ओ आर सस्पेंशियस में काम मतलब मिलता है, मार्केट में आपको प्रिपरेशन करने जाएंगे मार्केट में तो क्या नाम से मिलेगा, देखिए मार्केट में ज्यादातर आपको मिलेगा फेसुल नाम से मिल जाएगा, और भी नाम है इसमें सर्च कर लेंगे दोस्तों, जिसमें आप लोगों को इतना पेपर में आप लोग लिख लिए तो आप लोग अच्छा नंबर आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा याद करने में। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग समझा दिया है और सरल भाषा में, ऐसा आप लोगों को हर लेक्चर में समझाऊंगा, जिसमें नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बताऊंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का है एंटा एसिड जब हम लोगों को बढ़ जाता है चाहे कम हो जाता है, सुने होंगे तो गैस पेट फूलने लगता है, ढेकार आने लगता है, तो एंटा एसिड में पढ़ें, एंटा एसिड क्या है, एंटा एसिड का क्या यूज है, एंटा एसिड का सिरप मिलता है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि दवा है सबका इलाज, यही हम आप लोग बता रहा हूँ, दवा ही सबका है। ठीक है दोस्तों, दवा के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, कोई भी आप लोग जा रहे हैं, कोई मान लीजिए डॉक्टर दे रहा है चाहे कोई भी कंपाउंडर दे रहा है, तो उसको दवा ना लीजिए, बस आप लोग डॉक्टर का जो डॉक्टर होते हैं उनसे मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिखवाइए, उसके बाद दवा लीजिए, क्योंकि जो आप लोगों का लगभग मतलब कहीं भी आप लोग मेडिसिन मिलेगा उससे आप लोग नुकसान हो सकता है बिना डॉक्टर का
एप्लीकेशन लिए है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर का डिस्कशन कीजिए और दवा लीजिए और अच्छे से ठीक हो जाइए। ठीक है, और जो इसे आप लोग मान लीजिए आपको कोई और बीमारी है, कोई और मेडिसिन लेंगे तो आपका ही बुरा परिणाम होगा। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर का जो डॉक्टर होते हैं MBBS होते हैं उनसे डिस्कस लीजिए, उसको मतलब दवा क्या लेना है वो जो लिखते हैं वही दवा लीजिए। कोई भी ऐसा बोलता है ये दे दो वो दे दो मत लीजिए, क्योंकि उसमें आप लोगों का नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एंटासिड का वीडियो है जो ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे। नमस्कार।